दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में जानेंगे यूनिवे सिंगल बैंड ONU के बारे में कि किस प्रकार से इस वाईफाई डिवाइस में लॉगिन करेंगे और वाईफाई का नेम और पासवर्ड चेंज करेंगे। ये जो वाईफाई डिवाइस है VSOL चिपसेट बेस है, बहुत ही अच्छा इसका कम्युनिकेशन होता है। ख़ास तौर से हमने देखा है कि जिस वाईफाई डिवाइस में VSOL चिपसेट लगे होते हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है। एंड साथ ही बता दूं कि इस टाइप के डिवाइसेस का लॉगिन कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिवाइस हमने चालू कर लिया है। साथ ही साथ अगर जो इसके बैकबोन की बात करें तो यहाँ पे इसका एक स्टिकर लगा है जिसपे इसका मॉडल नंबर UW301VPW। ओके, तो यहाँ पे अब हम इसको लॉगिन करेंगे। ले चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। वाईफाई से सिस्टम हमारा कनेक्ट है और हमने जैसे ही इसका आईपी एड्रेस डाला 192.168.1.1 तो यहाँ पे लॉगिन पेज आ चुका है। यहाँ पे हम अब यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड डाल रहे हैं। यहाँ जो पासवर्ड डाला जा रहा है वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नहीं है, चेंज हो चुका है। तो जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर हो उनसे एक बार बात करें और लॉगिन पासवर्ड पूछ लें। बहुत सारे हमारे ऐसे भी व्यूवर्स होंगे जिनको इसका डिफ़ॉल्ट लॉगिन पासवर्ड पता नहीं होगा। अगर जो हम बात करें इसके बैक साइड में स्टिकर जो लगा हुआ है, यहाँ पर भी इसका लॉगिन पासवर्ड नहीं लिखा होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन पासवर्ड होता है वो होता है STD कैपिटल लेटर में ONU101, जिसकी हेल्प से आप इसको अगर जो फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो ये पासवर्ड यूज़ करके आप इजीली इसमें लॉगिन कर सकते हैं। हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए वीडियो को लाइक एंड चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपको नेटवर्क ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेटवर्क ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इसके वाईफाई सेक्शन से रिलेटेड मेन्यूज भी ओपन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के जस्ट नीचे 2.4G सेक्शन दिख रहा है, यही मेन्यू है वाईफाई सेक्शन का। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है वही है वाईफाई का नेम। तो यहाँ पे आप इसको कुछ भी चेंज करके कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपने घर का नाम लिख सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे जैसे ही नीचे अप्लाई चेंज का ऑप्शन है, अप्लाई चेंज करेंगे वाईफाई का नेम चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप वाईफाई का नेम चेंज कर देंगे आपका मोबाइल या फिर कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस तरह से वाईफाई का नेम चेंज हो गया। अब आपको वाईफाई डिवाइस को रिस्टार्ट कर लेना है और फिर से लॉगिन करके उसी जगह पे पहुंच जाना है जहां पे हमने वाईफाई का नेम चेंज किया था। अब आपको WLAN सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपको कुछ इस टाइप का पेज हाईलाइट होगा एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप प्री शेयर्ड की के बॉक्स में 8 अंकों का पासवर्ड छुपा हुआ है। तो यहाँ पे आप कम से कम 8 अंकों का अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड आप टाइप करके जैसे ही अप्लाई चेंज करेंगे वाईफाई का पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। वीडियो समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक दो बार रिवर्स करके ज़रूर देखें। आई होप आपकी प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में मिल गया होगा। बहुत ही जल्द हम एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको अगला वीडियो अब किस टॉपिक पे चाहिए, और साथ ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा अपने मित्रों में लिंक शेयर जरूर करें, जिससे कि हम इंडिया में टेक्नोलॉजी का विकास कर सकें।